इंसान में अगर जज्बा और हौसला बुलंद हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। इस बात को चरखी दादरी के गांव कमोद निवासी 72 साल के रामफल ने साबित कर दिखाया है। यहां रामफल की फिटनेस देख युवाओं का भी पसीना छूटा है, जिन्होंने पिछले दिनों मैराथन दौड़ में रिकॉर्ड समय में पार करते हुए गोल्ड जीत कर साबित कर दिया है कि ढलते उम्र भी उनकी प्रतिभा को नहीं रोक पाए। रामफल ने अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदकों का ढेर लगा लिया है। रामफल ने अब तक 33 मेडल जीते हैं, जिनमें 20 गोल्ड मेडल शामिल है। 2019 को IMT हाफ मैराथन मानेसर में करी है मैंने, उसमें मैंने गोल्ड जीता है। और पहले भी मैं 32 मेडल और जीत चुका हूँ, जिनमें 20 मेरे गोल्ड मेडल हैं, टोटल 33 हो गए हैं। और अब 19 जनवरी को इंडिया की सबसे बड़ी मैराथन फुल मैराथन बॉम्बे में होने जा रही है। मेरे प्रयास वहाँ से गोल्ड जीतने का है, जो 65+ का गेम होगा, 65+ से सारे दौड़ेंगे। अगर सरकार जिम वगैरह खोले बूढ़ों के लिए, प्रैक्टिस हमारे करा दे, तो हम भारत से बाहर भी खेल सकते हैं और भारत के झोली में गोल्ड मेडल ला सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के पास इतना खर्चा नहीं है कि वो बाहर अपने खर्चे से जा सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और सरकार इनको और ध्यान दे देगी तो और भी मेडल इंडिया के बढ़ जाएंगे और बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे और हमें देख कर और भी बुजुर्ग खेलने का प्रयास करेंगे। मैं दादा सुबह हमारे रेस की प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे स्कूल में। अब की बार स्पोर्ट्स की हुई थी ना स्पोर्ट्स, उसमें भी मैंने गोल्ड जीता है। सुबह इसके दादा बहुत जल्दी उठते हैं और बच्चों को भी साथ ले जाते हैं और हमें भी बोलते हैं रेस करने के लिए, और इस सोचते हैं कि हम भी अपने दादा की तरह ही मेडल लाएंगे। आपकी गुड़िया मेडल लेके आई है? हाँ, हमारे भैया है 6 साल की, सेकंड क्लास में पढ़ दिया सर्वोदय स्कूल में, उसको भी इतना चाव है कि अपने दादा की तरह वो भी मेडल लेके आई है रेस में, स्कूल में रेस हुई थी। 40 की उम्र पार करते ही अगर दौड़ना पड़ जाए तो सांस फूल जाती है, लेकिन रामफल 72 साल की उम्र पार करने के बाद भी ऐसे दौड़ते हैं कि जवान भी उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। हर रोज घर का काम करके खेतों के कच्चे रास्तों में सुबह शाम 8 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। पिछले दिनों मानसेर में हुई मैराथन दौड़ में रामफल ने रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। चरखी दादरी से न्यूज के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।